के बाद से सारे जून और सितंबर का सारे बच्चे वहां बहुत खुश आलू आज के स्कूल में आज के क्लास में बहुत अच्छा चीज है अंदर भी जो है वी ऑल बाय टू द फॉर्मेट और हम आज के क्लास में जो था आई लाइक इट आई चाहता हूं कौन आ रही है मैं आपको लगा हूं मैं कॉल करके कह दी आपको बहुत अच्छी है और एक दिन भी नहीं कर रही कृष कुमार मैं ठीक है और कौन है हेलो 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 गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्वेंटी फोर सेवन तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग फटाफट से सब लोग आ जाइए सब लोग क्लासेस में आ जाइए जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी सब लोग बच्चे आ जाइए मेरी क्लास शाद ग्यारह बजे होती है आप लोग इतना लेट क्यों जाते हो आप लोग इतना लेट क्यों जाते हो मेरे सभी प्यारे बच्चों चलिए मेरे प्यारे बच्चों सब लोग आ जाइए बढ़िया आई एम गुड राशिद हेलो हाय सुशांता हेलो सिमरन गुड मॉर्निंग अंकित विक्रम क्या बोल रहे हो आप मैम uh, हिंदी में भी प्रा... हिंदी में ही तो पढ़ाती हूँ मैं और कैसे पढ़ाती हूँ डोरेमोन गुड मॉर्निंग ठीक है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में तो पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को हिंदी में ही तो पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से हाँ श्रेया पटेल हेलो 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 तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को बहुत 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 गुड मॉर्निंग ठीक है आ जाइए सब लोग जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए बेहतरीन तरीके से एक बार लाइक कर दीजिए अक्षता यादव हेलो गुड मॉर्निंग तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग फटाफट से मुझे बता दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चलिए बच्चों आज आपके लिए लाया है एक रिविजन की सीरीज चल रही है फटाफट बढ़िया सी तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के क्या टाइप्स हैं ठीक है ठीक है कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से एकदम चलिए मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर के टाइप्स कंप्यूटर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कंप्यूटर क्या है बच्चों हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जितने भी आपका इनपुट होता है जो यूजर इनपुट देता है और वो क्या करता है प्रोसेस करता है प्रोसेस जितना भी प्रोसेस करता है आपका मेमोरी यूनिट में ए में और कंट्रोल यूनिट में वो सारा प्रोसेस जो डेटा होता है बच्चों कहाँ चला जाता है आपका वो सारा डेटा आपका कहाँ चला जाता जा है आउटपुट में चला जाता जा है और आपको एकदम जो भी आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़र को एज इट इज़ दे देता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या जाती जा हैं आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं अब क्या होता है कंप्यूटर के टाइप्स हमने कल पढ़े थे एवरीवेशन तो आप सब बच्चों ने कल कंप्यूटर के एवरीवेश को अच्छी तरीके से याद कर लिया था कि नहीं एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए येस मैम याद कर लिया था तिवारी जी हेलो 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 सो मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में ठीक है चलो बच्चों टाइप्स हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन साइज पे वर्क होता है है ना बेस्ड ऑन वर्क पे होता है और अपना बेस्ड ऑन पर्पस पे होता है सबसे पहले बच्चों आपका होता है एनोलॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड एनोलॉग डिजिटल और हाइब्रिड ये तीनों बच्चों होती हैं आपके वर्क के ऊपर अब बच्चों ठीक है ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको वर्क पर मिलती हैं अब साइज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे बेस्ड ऑन साइज पे क्या है तो ये आपका इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है बच्चों डिजिटल का भी क्या है डिजिटल का भी टाइप है ठीक है अब क्या है जैसे सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम मिनी माइक्रो माइक्रो में डेस्कटॉप लैपटॉप हम लाउन टॉप ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाती है बच्चों आपके बेस्ड ऑन साइज के बिहाफ पे आ जाती है अब हम बात करेंगे पर्पज क्या होते हैं हमारा तो बच्चों पर्पस की बात करेंगे तो पर्पस हमारे दो तरीके के पर्पस होते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस दो तरीके के पर्पस होते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस ठीक है तो ये चीज़ आपकी क्या होती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों को क्या करेंगे इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों मैं एक आपको क्यक रिविज़न करा रही हूँ क्योंकि कुछ मैं आपको एकदम आराम आराम से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ बेहतरीन तरीके से आप मैं सिर्फ बढ़िया तरीके से आपको एकदम क्यूक रिविज़न कराऊंगी तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेंगे तो फटाफट दिल थाम के बैठ जाइए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि अब मस्त तरीके से हम क्या करने हैं पढ़ने वाले हैं चलो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि क्या हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं देखो बच्चों एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हम फिजिकली वेरिएबल आपता है ना उसको देखते हैं फिजिकल वेरिएशन को देखते हैं जैसे कि हमारा वोल्टेज हो गया प्रेशर हो गया टेम्परेचर हो गया तो जो भी आपके फिजिकल वेरिएबल्स हैं बच्चों ये सारी चीज़ें हम क्या देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर में देखते हैं जैसे कि मैं बात करती हूँ एनालॉग कंप्यूटर की जब भी हम स्पीडोमीटर की बात करते हैं हम लोग बाइक चलाते हैं एक्टिवा चलाते हैं जो हमारी स्पीड होती है ऐसे ऊपर जाती है फिर स्पीड स्लो कर देते हैं तो, तो नीचे चली जाती है जब भी हम कोई वोल्टेज की बात करते हैं बच्चों पहले ये ध्यान हाँ देखते हैं वोल्टेज की बात करेंगे बच्चों तो मल्टीमीटर्स में इस तरीके से वोल्टेज चेक करता है ये आपके क्या होते हैं इस तरीके से एनालॉग में नंबर देता है एक्यूरेट नंबर इसमें नहीं मिलता है डिजिटल की कंपैरिजन में ठीक है इसमें क्या होता है आपको बच्चों आप देखो ये आपका हो गया थर्मोमीटर में इस तरीके से आपको देता है है ना जब भी आप पेट्रोल पंप जो है जाते हो तो वो पेट्रोल पंप वाला भी आपको इस तरीके से पेट्रोल भर के देता है है ना तो ये सब चीजें बच्चों क्या है एक डिजिटल फॉर्म में आती है वो सॉरी एनोलॉग फॉर्म में आती हैं है ना जिनका जो ग्राफ है जो वेरिएबल रहन का अप एंड डाउन होता है एकदम <coughs> <coughs> कॉन्स्टेंसली नहीं चलता एकदम अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग चलता है तो इसमें क्या बच्चों एनोलॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो आपका ए एल यू मतलब अर्थोमेटिकल एंड लॉजिकल पे दोनों पे ही क्या होता है काम करता है मैनिपुलेट करता है और प्रोसेस करता है डेटा को ठीक है तो यही रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल वेरिएबल को जैसे आपको वोल्टेज चेक करनी है प्रेशर टेम्परेचर ये सारी चीज़ें आपको करनी है तो वो चीज़ आपकी क्या होती है इसमें आती है जैसे स्पीडोमीटर थर्मोमीटर पेट्रोल पंप का जो इंडिकेशन है, है ना एंड आपका मल्टीमीटर ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी क्या आती हैं आपका एनोलॉग कंप्यूटर में आती है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी <coughs> फॉर एग्जाम्पल ग्राफ की बात करते हैं तो एनालॉग का ग्राफ बच्चों किस तरीके से जाएगा इस तरीके से जाएगा किस तरीके से जाएगा इस तरीके से जाएगा है ना लेकिन जब हम ये एनालॉग की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं एनालॉग की बात कर रहे हैं जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में बच्चों क्या होता है कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है क्या समझता है सिर्फ जीरो और वन समझता है तो बच्चों क्या होता है जीरो वन की जब ग्राफ की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा इस तरीके से आएगा इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा दैट इज जीरो जीरो से और वन इस तरीके से, से जीरो ठीक है तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा तो ये आपका किस में हो जाएगा डिजिटल में क्योंकि डिजिटल में बच्चों क्या आती है आपकी वैल्यू होती है और एनालॉग में क्या होती है आपकी एनालॉग में इस तरीके से चीजें आपकी आ जाती है इस तरीके से एनालॉग में अप एंड डाउन वाला चीजें चलती है और डिजिटल में बच्चों इस तरीके से जीरो वन जीरो वन जीरो वन वाला सिस्टम आपका चलता है तो इस हाँ सिर्फ जीरो और वन ही समझता है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे बच्चों को अब क्या होता है एनालॉग में क्या होता है जितना भी जो रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है बच्चों एकदम क्लियर <coughs> नहीं होता लेकिन डिजिटल डिजिटल में क्या होता है आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्या देता है एक्यूरेट रिजल्ट देता है जितने भी परफॉर्म करता है कैलकुलेशन या आपका कुछ भी ऑपरेशन तो बच्चों वो सब चीज़ें क्या होती है रिप्रेजेंट करती है डिजिट की फॉर्म में है ना तो वो क्या होता है आपका बाइनरी नंबर होता है जो कि मैंने आपको बताया जीरो और वन क्या होता है जीरो और वन में बताया है ना तो ये डेस्कटॉप बच्चों क्या होता है आपका मोर एक्यूरेट होता है क्या होता है मोर एक्यूरेट होता है किसके कंपैरिजन आपके एनालॉग के कंपैरिजन आपका क्या होता है ये डिजिटल आपका मोर एक्यूरेट कंप्यूटर होता है ठीक है अब देखो अब आती है हाइब्रिड कंप्यूटर की बारी होता हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों ये एनालॉग भी होता है एज वेल एज डिजिटल भी होता है इसमें दोनों चीज होती है एनालॉग के भी एंड डिजिटल भी तो ये क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है बच्चों एनालॉग एंड डिजिटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोनों कंप्यूटर का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग कंप्यूटर का भी एंड डिजिटल का भी क्या हुआ बच्चों आप इतने कम कैसे हो गए आज तनुजा गुड मॉर्निंग जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए बेहतरीन तरीके से एक बार लाइक कर दीजिए ठीक है अब ये क्या होता है बच्चों एरोप्लेन हॉस्पिटल या साइंटिफिक एप्लीकेशन में इन सब चीज़ों में क्या होता है यूज़ होता है कुछ मशीनें और के हॉस्पिटल्स में ऐसी होती है फॉर एग्जांपल एसीजी की बात मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है इसमें एनालॉग आपका एकदम एनालॉग की तरह वर्क करता है एंड डिजिटली इसको क्या करता है आपको एकदम डिजिटली वर्क करता है डिजिटल में भी उसको देते हैं और सिस्टम में डिजिटली आपको डाल दिया इतने इतना और एनालॉग का भी दोनों का काम करती है वो ठीक है तो ये कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही काम करती हैं समझ रहे हो अब आते हैं बच्चों साइज की बात करते हैं साइज की बात करते हैं या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम सॉरी टैप्स भी हो सकते हैं इनको एक तरीके से ठीक है तो ये क्या होता है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर बच्चों क्या होता है आपका पीसी होता है क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर इसमें बच्चों क्या होता है ये सबसे लीस्ट पावरफुल होता है सारे कंप्यूटर के साथ जिस तरीके से माइक्रो कंप्यूटर है मिनी मेन फ्रेम ऑन सुपर कंप्यूटर इस तरीके से आप एक बार इस तरीके से आप देखो कि माइक्रो कंप्यूटर आप लोग हैं ठीक है छोटे और आपके मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके पेरेंट्स हैं उनसे ऊपर आपके दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह क्या हैं वो आपके हैं वो क्या हैं सुपर कंप्यूटर क्योंकि वो सबसे सुपर है घर में उन्हीं की ज़्यादा चलती है उन्होंने सबसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं और हम लोग क्या हैं सबसे छोटे हैं तो क्या हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं तो ठीक है बच्चों तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं अब ये क्या होता है ये वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें लीस्ट पावरफुल होते हैं क्या होते हैं लीस्ट पावरफुल होते हैं ये कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और पोर्टेबल होता है पोर्टेबल बच्चा हो उसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो अपने सिस्टम को लैपटॉप को फ़ोन को इन सब चीज़ों को ले जा सकते हो माइक्रोफोन आप सॉरी माइक्रो कंप्यूटर आपके डायरेक्टली घर में या ऑफिसज में यूज़ होते हैं है ना घर में यूज होते हैं और ऑफिस में यूज़ होते हैं या आपका जो पर्सनल यूज में आपका जो आता है वो चीज़ आपकी यूज़ होती है आप घर में भी कंप्यूटर लैपटॉप होना इज़ वेरी ज़रूरी होता है है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कि आपका घर में चूज़ सिस्टम होती है चीज़ें आपकी सिस्टम है या फ़ोन है तो घर में सभी लोग चलाना सीख जाते हैं क्योंकि पहले के टाइम में क्या था फ़ोन कैसे संपल थे बिल्कुल संभल थे कीपैड वाले थे लेकिन अब टाइम जैसे भर रहा है तो एंड्रॉयड आए सबके पास एंड्रॉयड है लेकिन आपको किनको क्या करना पड़ता है चीज़ें लैपटॉप है तो घर में सिखानी चाहिए सब लोगों को कि आप भी सीखो आप भी सीखो तो वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि आज को सब लोगों को क्या होना चाहिए एडवांस होना चाहिए तो यही बच्चों आपको होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप एंड प्लान टॉप बच्चों को जो हाथ में कंप्यूटर आ जाता है उसको हम बोलते हैं मोबाइल फोन वगैरह तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आ जाती हैं आपकी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाती हैं नेक्स्ट आप देखिए इधर नेक्स्ट क्या होती है बच्चों आपकी होती है मिनी कंप्यूटर क्या होती है मिनी कंप्यूटर में होती है मिनी कंप्यूटर बच्चों क्या होता है पावरफुल कंप्यूटर होता है अगर हम कंपेयर करेंगे माइक्रो कंप्यूटर से ठीक है क्यों जैसे मैंने बताया अभी आपको कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है आप हैं तो आपसे पावरफुल आपके पेरेंट्स हुए ना एक स्टेज को लेके मेंटेन करके चलो तो क्या हो जाएगा वो मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है माइक्रो कंप्यूटर से क्या है थोड़े से फास्टर हैं एडवांस हैं ठीक है अब यही चीज़ बच्चों होती है कि मिनी uh, कंप्यूटर जो है आपका uh, सबसे ज़्यादा क्या है हाइयर मेमोरी होती है उनकी एज़ कम्पेरिजन टू माइक्रो से ज़्यादा मेमोरी होती है है ना प्रोवाइड करता है फस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका क्या होता है फास्टर होता है और लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है किससे देन माइक्रो कंप्यूटर से ठीक है तो ये क्या होता है एक सर्वर की तरह यूज़ करते हैं तो जिस तरीके से आपको दिख रही है एक खड़ी हुई है मशीन के पास तो ये क्या है एक सर्वर की तरह यूज़ कर रही है तो इसको हम स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बोलते हैं जिसका ये एग्जाम्पल है आपका आई बी एम सेवनटीन एच पी नाइन थाउजेंड एन एक्सेट्रा ये सारे क्या है बच्चों इसके एग्जाम्पल्स आते हैं ठीक है एक बार आप इसको देख लीजिएगा अब आती है नेक्स्ट बात मेरे प्यारे बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये डिफरेंट होता है मिनी से भी और माइक्रो कंप्यूटर से भी क्या होता है दोनों से क्या होता है दोनों से थोड़ा डिफरेंट होता है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है हाईएस्ट मेमोरी होती है प्रोसेसर भी हाईएस्ट होती है आ? और ये क्या करता है ये भी एक सर्वर की तरह वर्क करता है ठीक है इसकी परफॉर्मेंस बच्चों क्या होती है वो बहुत ही लार्ज स्केल कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस होती है बहुत लार्ज स्केल पे होती है यूनिक बच्चों क्या है यूनिक इसका एग्जाम्पल है वन वन जीरो इसका एक फुल फॉर्म बताइए यूनिक का यूनिक का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया था यूनिक का यूनिक का फुल फॉर्म बताइए जल्दी जल्दी मेरे सभी प्यारे बच्चों यूनिक का फुल फॉर्म बता दीजिए तो बच्चों इस तरीके से ये आपको क्या है ये आपका सर्वर है ये देख रहे हैं आप सर्वर है कितना बड़ा तो इसके आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है बच्चों बहुत ज़्यादा हाई है बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है इसकी ठीक है यूनिक का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी जो बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को कर दीजिए लाइक और यूनिक का क्या करिए फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए क्योंकि आप ही लोग मुझे फुल फॉर्म बताएंगे ठीक है बताइए जल्दी जल्दी बताइए आ आपका सुपर कंप्यूटर ठीक है अब आता है आपका अब आपका आता है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बच्चों क्या है आपका फास्टेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव है ठीक है ये क्या है बहुत फास्टेस्ट है हाँ डोरेमोन ने दिया है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या बोलिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल होता है ये इसका फर्स्ट जनरेशन का भी एग्जाम्पल है ये आपका ठीक है तो याद करके रखा करो उसको ठीक है अब आती है आपका अब आता है आपका से क्या कह रहे हो मैम मेरा प्लीज हेलो क्या बताओ क्या आंसर है बताओ बताती हूँ मैं ये क्या है बच्चों फर्स्ट फास्टेस्ट और एकस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर जैसे कि मैंने इनकी पदवी दी थी आपके दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स के हिसाब से दी थी तो बच्चों ये क्या होती है आपका सबसे पावरफुल होते हैं साइज़ भी इनका बहुत लार्ज होता है और मेमोरी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर करें तो अदर किसी अदर से कंपेयर करें तो जितने भी कंप्यूटर हैं इनके सामने क्या है सब छोटे हैं क्योंकि सुपर इनका नाम ही है तो ये सुपर क्या है आपके सुपर कंप्यूटर हैं ठीक है इस तरीके से एग्जाम्पल आपको क्या है वेदर फॉरकास्टिंग साइंटिफिक रिसर्च ये आपके क्या है जैसे कि फॉर वेदर फॉरकास्टिंग में क्या है कहीं भी अर्थकवैक आ रहा है तो आपके कंप्यूटर से पता चलेगा कि अर्थकवैक कहाँ आ रहा है नहीं पता चलेगा ना तो ये सब कहाँ से पता चलेगा बच्चों आपको ये सब आपको सुपर कंप्यूटर से पता चलेगा सुपर कंप्यूटर आपको बताएंगे कि ये आपका जो है अर्थकवैक कहाँ आ रहा है वॉल कैनो कहाँ आ रहा है तो ये सब बच्चों आपके नॉर्मल कंप्यूटर का काम नहीं है ये सुपर कंप्यूटर के काम है ठीक है आपका साइंटिफिक रिसर्च की जितनी भी साइंटिफिक को रिसर्च करनी होती है तो बच्चों वो कैसे होती है वो कैसे करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं सुपर कंप्यूटर के थ्रू आप सुपर कंप्यूटर बच्चों आपके ये है देखो कितनी बड़ी मशीन है है ना ये सारी चीजें बच्चों क्या आती हैं सुपर कंप्यूटर में आती हैं ठीक है अब देखो आगे अब आता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ आपका जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज के लिए दो चीजें होती है कि कंप्यूटर एक जनरल पर्पज के लिए यूज होता है एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है जनरल परपस में क्या है बच्चों की जितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो रही हैं वो सारी जनरल परपस में ही यूज़ हो रही हैं ठीक है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है है ना जो भी जितनी वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है वो सब क्या हो रही है आपके जनरल परपस में यूज़ हो रही है जैसे कि आपको कोई भी स्मॉल डेटाबेस बनाना है या कैलकुलेशन बनाना है कल करना है सॉरी तो क्या होगा बच्चों ये सब क्या है एक जनरल पर्पस के लिए ही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं बट हम हाँ बात करेंगे स्पेशल पर्पस की बात करेंगे तो स्पेशल पर्पस में क्या होता है एक सिंगल एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है एक सिंगल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है वो ठीक है तो सिंगल प्रॉब्लम क्या हो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको क्या है बैंक में जा रहे हो है ना आपको अपनी पासबुक को अपडेट कराना है तो अब क्या होता है आप एक सीधे मशीन रख देते हैं आपके बैंक के सामने कि आप जाइए वहाँ से अपने अपने बैंक को क्या करिए पासबुक जो है आपकी बैंक की जो जिस बैंक की पासबुक है उसको अपडेट करा लीजिए तो आप जाते हैं इसमें एक क्यू कोड लगा होता है आपकी पासबुक में आप जाते हैं तुरंत तुरंत आपका क्या हो जाती है आपकी अपडेट हो जाती है अब और क्यू कोड नहीं होता तो आपके मोबाइल में ओ आता है उस, उस वाले केस में है ना तो वो चीज़ बच्चों क्या हो जाती है तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसे चलती हैं इसी तरीके से चलती हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपका स्पेशल पर्पज़ जो कि आपका स्पेशल काम कर रही है इसका स्पेशल फॉर्म में आपका टास्क कर रही है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करा रही है तो ये हो जाएगा आपका स्पेशल पर्पस में आ जाएगा जनरल पर्पस में क्या आ जाएगा कि जितनी भी वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी यूज़ होंगी जनरल पर्पज में आ जाती हैं वो चीज़ें कि ये चीज़ें क्या हैं जनरल पर्पज में हैं आप स्पेशल में क्या है जो आपका एकदम डिफरेंट काम कर रही है ठीक है ऐसे आपका मल्टी कंप्यूटर का हो गया बहुत सारे काम आपका जो स्पेशल काम है वो कर रही है आप चलिए बच्चों फटाफट से हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बढ़िया तरीके से तो बताओ विच ऑफ नोन एज वर्क माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन या आपका पर्सनल कंप्यूटर बताइए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग श्वेता आज इतने लेट कैसे आए हो बेटा बताइए बताइए आप बताइए सबसे बढ़िया बता दीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर बच्चों क्या है सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन या पर्सनल कंप्यूटर बताइए चलिए बताइए बताओ बताओ बच्चों आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग क्या हो जाता है फटा फटाफट आंसर दीजिए जो पूछ रही वो आंसर तो दे नहीं रहे हो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है बच्चों बताओ सुपर मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन या आपका पर्सनल कंप्यूटर बताइए जल्दी जल्दी बताओ कोई बात नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर क्या हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो व्हाट हैपेंड आप बताओ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं चार सौ से लेके दो यूजर एट वन टाइम पे बताइए उसको क्या बोलेंगे दूसरे का आंसर बताओ सेकंड वाले का एक या एक से ज्यादा क्या होता है आपका प्रोसेसर होता है बोलो बताइए बताइए बिल्कुल देरी मत करो बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से बैठो पढ़ो आराम से क्या हो गया आप लोगों को आज बढ़िया बताइए बताइए क्या हुआ बताइए बताइए फटाफट से बताओ ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका मिनी कंप्यूटर क्या हो जाएगा मिनी कंप्यूटर में 400 से यस लेके 200 सौ यूज दो सौ तक यूजर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं अब क्या होता है कौन सा कंप्यूटर डील करता है एनालॉग डेटा के साथ एनोलॉग ही डिजिटल या ए एन बी या नॉन ऑफ द एव बताइए फटाफट बताओ बच्चों आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग क्या हो गया आंसर दीजिए ना बताइए बताइए बता दे बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आज आप लोगों को आंसर क्यों नहीं दे रहे हो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट तो क्या हो जाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर क्या हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा टाइप कंप्यूटर का टाइप नहीं है नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन रिमोट हाइब्रिड आपको डिजिटल एनालॉग बताइए इसमें से कौन सा आपका क्या है बच्चों नहीं है बताओ बताओ बढ़िया जितने लोग देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए बेहतरीन तरीके से बिना किसी देरी के तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका रिमोट हाइब्रिड एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या है आपका आपका एग्जाम्पल है ऑलरेडी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बताइए इसमें तो कौन सा एप्लीकेशन या ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग करता है सुपर पब्लिक मोबाइल या हाइब्रिड बताइए इसको तो फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों हाँ बेहतरीन आप इतना देर देर में आंसर दे रहे हो क्या हो गया था आपको इतनी देर से आंसर क्यों नहीं दे रहे थे बढ़िया 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 क्या हो जाएगा आपका बेहतरीन गुड 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 नाइज आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर ठीक है पीडीए का फुल फॉर्म क्या है बताइए पीडीए स्टैंड फॉर स्टेंड फॉरवर्डल एग्जाम में आएगा ये ध्यान रख लेना फटाफट बताओ पीडीए का फुल फॉर्म क्या है पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन प्राइवेट डिजिटल एप्लीकेशन या आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस या प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंस बताइए बताओ बताओ जल्दी बिना किसी देरी के हम्म बढ़िया सिक्स का हो जाएगा सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस ठीक है अब आता, ये बताओ पीडीए क्या होती है कैसी होती है पीसी लैपटॉप टैबलेट या हैंडल्ड बताओ कैसी डिवाइस होती है पीडीए बढ़िया बढ़िया गुड 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 पीडीए बताओ कैसी डिजाइन कैसा वो होती है बताओ पीसी होती है लैपटॉप टैबलेट से है, हैंड हेल्थ डिवाइस तो पीडीए आपकी क्या होती है हैंड हेल्थ डिवाइस होती है ठीक है आप बताओ डेस्कटॉप लैपटॉप लैपटॉप एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम मिनी या माइक्रो जल्दी जल्दी बताइए किसका एग्जाम्पल होती है ये डेस्कटॉप लैपटॉप बताइए किसका क्या है सुपर मेन मिनी या माइक्रो बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चों बताइए बताइए नाइस nice. क्या हो जाएगा आंसर इज वॉट हम्म आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड 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 नूर लेट में आयो आई हो तुम ये हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर आपका एग्जाम्पल क्या है डेस्कटॉप लैपटॉप एंड प्लान टॉप का ठीक है तो so, मेरे सभी प्यारे बच्चों आपकी होती है यही समाप्ति और बिल्कुल आप लोग क्या करा करो टाइम से टाइम से आ जाया करो एक बार अगर आपको बच्चों बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है एकदम डिटेल में तो एक बार ये देख लीजिए बच्चों यहाँ पे क्लिक करेंगे एलर ट्वेंटी फोर सेवन पर ऑल कोर्स पे जाएंगे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ऑल कोर्स पे जाएंगे ठीक है यू जी पी जी एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे अब यहाँ से आप कर देंगे आपका लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे सी यू ई टी एल एल बी पे क्लिक करेंगे तो प्रथम टू पॉइंट वो बैच बच्चों आपका रिलीज़ हो गया है ठीक है इसमें प्रथम में बच्चों क्या हुआ था आपका खत्म हो गया था बच्चों बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स ले लिए थे अभी आप आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अगर डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को कुछ भी डिटेल में पढ़ना है तो बच्चों क्या करोगे आप लोग प्रथम बैच को जाके एक बार देख लीजिए ठीक है अभी इसमें आपको ऑफ़र मिल रहा है ऑफ़र ले लीजिए मेरा कोड लगा दीजिए आप फटाफट क्या लगा दोगे असमी असमी एट्टी ठीक है असमी एट्टी लगा देंगे आप तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका कोर्स जो है चार हजार छः सौ का पड़ जाएगा इतने कम दाम में जल्दी जल्दी आपको क्या बच्चा मिल रहा है आपको इतना सारा डिटेल में चीजें मिल रही हैं तो एक बार मैं अपना कोड बच्चों यहाँ पे और लिख देती हूँ बुक्स भी चाहिए आपको तो बुक्स भी देख लीजिए एक बार वो भी दिखा देती हूँ मैं तो ये है बच्चों असमी एट्टी कोड आप लगा लीजिएगा आसमान में उड़ना है तो असमी एट्टी कोड तो लगाना ही पड़ेगा ठीक है अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा बैक होते हैं अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए टेस्ट सीरीज़ चाहिए मोक टेस्ट चाहिए या आपको बुक परचेस करनी है तो बुक वगैरह आप यहीं से परचेस कर लीजिए बेहतरीन तरीके से एक बार कर लेना बुक परचेज़ ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लगा देना असमी ट्वेंटी ठीक है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस बढ़िया तरीके से आपको बुक लेनी है तो हाँ मोक टेस्ट इस तरीके से कर लीजिए यहाँ पे जाएंगे मोक टेस्ट पर क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पे बाय कर देंगे बाय नाउ पे जाके यहाँ पे मेरा कोड लगा देना तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अस्मिता ट्वेंटी लगा देना असमी ट्वेंटी अप्लाई कर देना तो आपको सोलह सौ फिफ्टी नाइन का आपको क्या मिलेगा बैच मिल जाएगा ठीक है तो बच्चों इतना सस्ता आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं बेहतरीन तो आप जाकर क्या करिएगा उसको परचेज़ कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है समझ रहे हो टाइम क्या है बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास तो एकदम बढ़िया तरीके से आप क्या करिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए टेंशन मत लीजिए अगर आपको अभी भी पढ़ाई नहीं करी है तो अभी भी आपकी पढ़ाई हो सकती है क्योंकि कुछ ही क्लासेस निकली है ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं तो आप आके यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए और फटाफट से क्या करिए हम लोगों के साथ जुड़ जाइए और बच्चों जो लोग मेरा कोड लगाएंगे असमी ट्वेंटी या असमी एट्टी कोर्ट लगाएंगे तो बच्चों वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगी डायरेक्टली इंट्रेक्शन हो जाएगा हम लोगों का जो भी आपको जो भी आप लाइव क्लासेस में कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा जूम सेशन पर जो भी है हमारा एकदम लाइव इंट्रैक्शन हो जाएगा ठीक है अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो मेरी असमी डॉट सिंह एट द रेट अट दट द ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पे क्या कर दीजिएगा मेल आई डी पर मुझे क्या कर दीजिएगा मेल कर दीजिएगा बेहतरीन तरीके से ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है खुश रहिए स्वस्थ रहिए बढ़िया तरीके से आप ना ख्याल रखिए तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं कल शार्प मिलते हैं ग्यारह बजे तो ग्यारह बजे बच्चों आप आके बिल्कुल मिल जाइएगा ग्यारह बजे बिल्कुल लेट मत कीजिएगा कल आते हैं एक बेहतरीन से नए टॉपिक के साथ तो थैंक यू बच्चों खुश रहिए स्वस्थ रहिए अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़ते रहिए थैंक यू प्यारे बच्चों